जी जनाब, ये जो पीछे आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई एक मेरा रूम होगा जो नया मैंने शिफ्ट किया है। ये भी अच्छा एरिया, काफ़ी ग्रीनरी है हर तरफ। तो जी जनाब, सामान मैंने सारा नीचे उतार लिया है, अभी सिर्फ टैक्सी वाले का इंतज़ार है। टैक्सी वाले को कॉल करनी है और अपना सामान जो है वो टैक्सी में लोड करना है और नेक्स्ट रूम में जाके से शिफ्ट करना है। तो जी जनाब, ये टैक्सी आ गई है, बस इसमें सामान लोड करना है। अब जल्दी से सामान लोड करते हैं। वीडियो व्लॉग, यूट्यूब व्लॉग। ये रास्ते में चलते हुए एक दरिया आया हमारे, बहुत ही खूबसूरत दरिया है। यहाँ पे जब भी कोई दरिया आता है तो दो स्टेट को ये अलग कर रहा होता है, मतलब यहाँ से एक नई स्टेट स्टार्ट हो जाती है। तो जी जनाब, हम पहुंच गए अपने न्यू हॉस्टल, न्यू रूम पे। जो राइट साइड पे आपको वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसमें हमारा रूम है। तो जी जनाब, ये जो पीछे आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई एक मेरा रूम होगा जो नया मैंने शिफ्ट किया है। ये भी अच्छा एरिया, काफ़ी ग्रीनरी है हर तरफ। ये मेरे इधर रेलवे ट्रैक गुजर रही है और काफ़ी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई हुई है यहाँ पे। लेट्स सी कैसा टाइम गुजरता है यहाँ पे। जल्दी से अपना सामान जो है रूम में पहुँचा देते, शिफ्ट कर देते। पीछे बैकग्राउंड चेक करें, बहुत ही खूबसूरत क्लाउडी वेदर हुआ हुआ है। एक बैग मेरा बेचारा उधर खड़ा हुआ है और एक ये रहा। जल्दी से अपना सामान जो है पहले फ्लोर पे जाना है, हमने लिफ्ट में लोड कर लेते हैं। ओ नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है मैं जहाज में बैठ रहा हूँ और मैं जैसे पाकिस्तान से आ रहा था या जर्मनी के लिए, तो वही वाले जहन में आ रही हैं चीज़ें। अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ मैं। इधर भी वैसे रूम बने हैं, ये नए अपार्टमेंट्स बने। ये मेरा लास्ट रूम है। ओके जनाब, हम आ गए अपने रूम में जो न्यू अपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम। ये वैसे राइट साइड पे इसके किचन है,
और नीचे माइक्रोवेव ओवन है, ऊपर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, ये बर्तन रखने के लिए कबर्ड्स हैं, ये सिंक है, और ये नीचे डस्टबिन दी हुई है इन्होंने लाइक दिस, और ये रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, और यहाँ पे मिरर आ जाता है। दिस इज ऑल्सो द कबर्ड, यहाँ पे भी मैं सामान रख सकता हूँ अपना। और एक ये डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, इधर दो चेयर्स हैं, और जैसे मेरे पास लास्ट रूम में एक चेयर और टेबल था लैपटॉप और अपने पढ़ने के लिए, वैसे सेम इधर है, और इधर ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं। और ये ओवन, ओवन कह रहा हूँ, ये जो हीटर होता है, ये हीटर आ गया है, और ये बेड आ गया है सेम। और आप यहाँ से भी अगर गेट खोलना चाह रहे हैं तो गेट खोल सकते हैं। और ये हमारा आ गया है वॉशरूम, इधर भी वॉशरूम में ऐसे ही हीटर लगा हुआ है, ये आप यहाँ पे शावर ले सकते हैं, ये वॉश बेसन आ गया है। और लास्ट में हमारे पास ये विंडो आ गई है, इधर डबल पर्दा लगा हुआ है, इधर मतलब चार विंडोज लगी हुई है, मतलब और खूबसूरत व्यू है इधर से, देख सकते हैं। और इधर अच्छी बात ये है कि इसमें खिड़की के ऊपर एक शटर दिया हुआ है, जब सुबह सुबह ज़्यादा रोशनी आ रही हो आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली है, आपने जैसे एक बटन प्रेस करना है और ये बंद हो जाएगा और जो लाइटिंग है वो कम हो जाएगी। जैसे देख रहे होंगे अंधेरा हो गया, सुबह के टाइम और कम रोशनी हो जाएगी तो आप देर तक भी सो सकते हैं, आपकी आँख जल्दी नहीं खुली। और ये हमारे पास हमारी कैबिनेट आ गई है, जिसे अलमारी कह रहे होते हैं वैसे ही है, लाइक दिस। इफ यू वॉन्ट टू कम इन माई वीडियो यू कैन, माई व्यूअर्स कैन सी यू, माई व्यूअर्स कैन सी यू। वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम ईरान दैट गिवन दिस रूम टू मी इज़ वेरी शायद, वो जो है वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे, ये जो रूम दिया है उन्होंने मुझे, ये ईरान के हमारे एक भाई हैं, उन्होंने उनसे मैंने ये रूम दिया, उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि आप वीडियो में आना चाहेंगे, वो बड़े शायद हैं, उन्होंने बोला मैं नहीं आना चाह रहा, आप अपनी वीडियो ऐसे ही चला लें। मेरा जो लगेज था मेरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो मैंने किचन था वो तकरीबन सेट कर लिया है। ये हमारे पाकिस्तानी मसाले यहाँ से भी मिल जाते हैं इजली, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगर आप एशियन फूड लवर हैं और आपको पाकिस्तानी इस तरह के मसाले आपको इजीली यहाँ से मिल जाते हैं। और रात के लिए मैंने अपने लिए बनाई है बारबेक्यू टिक्का बोटी कह लें, सीख कबाब कह लें, लेकिन ये मैंने इधर माइक्रोवेव में बनानी है, देखते हैं कैसी बनेगी। ये थोड़ा बहुत किचन मैंने सेट कर लिया है। तो जी व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा जो लास्ट रूम था वो, या जो ये वाला रूम मैंने शिफ्ट किया ये वाला रूम ज़्यादा अच्छा है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना। और आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आसानी मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।